आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार वर्मा, कला अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय यमुनानगर हरियाणा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ मौर्य, कुषाण कला व गुप्त काल के मूर्तियों व कलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मौर्य काल का संक्षिप्त विवरण को देखेंगे। मौर्य काल के दौरान कला की अनेक विधाएं अपने चरमों उत्कर्ष पर थी। इस काल में अधिकांश चित्र पहाड़ों को काटकर उनकी दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में विभिन्न रंगों के प्रयोग से अथवा उत्कीर्ण करके बनाए गए हैं। मौर्य काल की मूर्तिकला विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि चौरीवाहक अथवा दीदारगंज की अक्षरी पटना बिहार से तथा सिंह शीर्ष एकास्म स्तंभ का शीर्ष भाग जो सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही इस काल के पॉलिश किए हुए मूर्ति शिल्प के बेहतरीन उदाहरण हैं। मूर्ति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक है। पहला है मूर्ति का नाम सिंह शीर्ष अशोक स्तंभ, स्थान सारनाथ मौर्य काल उत्तर प्रदेश, माध्यम पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर, काल मौर्य काल ईसा पूर्व तीसरी सदी, कलाकार अज्ञात, संग्रह सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। इस मूर्ति की व्याख्या को देखेंगे। तीरों के निशान से बने हुए मुख्य तथ्यों को भी आप ध्यान से देखें ताकि इसकी आसानी से आप व्याख्या कर सके। इस सिंह स्तंभ को प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में स्थापित करवाया था। दरअसल वह भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाना चाहता था। इस सिंह स्तंभ को आधार देने के लिए कमल आकृति वाला घंटी नुमा आधार बना हुआ है। घंटी नुमा आधार के ऊपर गोल चक्र जिस पर शक्ति व साहस से भरे चार पशुओं, हाथी, बैल, सिंह, घोड़े को घड़ी की सुइयों के अनुरूप दौड़ते हुए दिखाया गया है तथा उनके बीच में 24 तिल्लियों वाले धर्म चक्र बने हैं। इस धर्म चक्र को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफेद रंग की पट्टी में गहरे नीले रंग से अंकित किया जाता है। गोल चक्र के ऊपर चार सिंह चार मुख्य दिशाओं में चौकस किंतु रोबीले अंदाज में दोनों अगले पैरों पर खड़े दिखाए गए हैं, जबकि उनकी पीठ आपस में सटी हुई है। मौर्य काल से संबंधित दूसरी मूर्ति के बारे में देखेंगे। मूर्ति का नाम है चौरीवाहक यानी अक्षड़ी, स्थान दीदारगंज पटना बिहार मौर्य काल, माध्यम पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर, इसका समय काल है मौर्य काल ईसा पूर्व तीसरी सदी, कलाकार अज्ञात हैं, संग्रह पटना संग्रहालय बिहार। इस मूर्ति शिल्प की व्याख्या को देखेंगे। मौर्य काल मूर्तिकला परंपरा का एक और बेहतरीन उदाहरण खड़ी अवस्था में निर्मित यह आदमकद चौरीवाहक की मूर्ति है जिसने अपने दाहिने हाथ में चौरी इस प्रकार से पकड़े हुई है कि वह कंधे से ऊपर है, जबकि उसका बायां हाथ टूटा हुआ है। इस शिल्प में एक सुंदर युवा लंबे कद वाली सुसज्जित स्त्री को अर्धनग्न अवस्था में तथा उसके वक्षों को विशेष उभार के साथ दिखाया गया है। उसने स्त्री योचित सिंगार किया हुआ है। उसने बालों में, मस्तक पर, कानों तथा गले में, हाथों में तथा कमर के नीचे पहने हुए वस्त्र के ऊपर सुंदर आभूषण धारण किया हुआ है। उसके चेहरे को पर्याप्त गोलाई, तीक्ष्ण नान नक्श तथा शरीर के अन्य अंगों को विशिष्टता प्रदान करके शिल्प में कोमलता का एहसास कराया गया है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मूर्ति शिल्प पर पॉलिश करके चमक उत्पन्न की गई है।
नेक्स्ट है दूसरा कुषाण काल। कुषाण काल का संक्षिप्त विवरण को देखेंगे। कुषाण काल में मूर्तिकला की दो अलग अलग शैलियां विकसित हुई थी। इनमें से गांधार कला शैली कुषाणों की प्रथम राजधानी पेशावर के निकट गांधार प्रांत के आसपास विकसित हुई थी। इसमें भारतीय विषयों पर आधारित बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों को ग्रीको रोमन कला तत्वों का समावेश करके ग्रेनाइट व बलुआ पत्थरों पर उकेरा गया था। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा के आसपास बहुलता में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थरों को तराशकर मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा के अलावा सारनाथ व भरहुत के आसपास बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं जैन तीर्थकरों बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थानीय परंपराओं के आधार पर शुद्ध भारतीय कला तत्वों का समावेश करके बनाई गई थी। अतः इस शैली में निर्मित मूर्तियों को मथुरा कला शैली या मथुरा सारनाथ कला शैली अथवा भारतीय कला शैली कहा जाता है। इस काल के प्रमुख मूर्तियों में से सबसे प्रमुख मूर्ति का नाम आता है बोधिसत्व शीर्ष। मूर्ति का नाम है बोधिसत्व शीर्ष। स्थान तक्षशिला पाकिस्तान। माध्यम शिला पत्थर। काल ईसा पूर्व दूसरी सदी। कुषाण काल गांधार शैली। कलाकार अज्ञात। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इस मूर्ति शिल्प की व्याख्या को देखेंगे। शिल्प कला की गांधार शैली में बने इस बोधिसत्व शीर्ष को तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था। कुषाण काल से संबंधित यह शीर्ष आकृति ईसा की दूसरी सदी की है। इस शिल्प में भारतीय ग्रीको रोमन कला तत्वों का बेहतर समावेश देखने को मिलता है, जो कि गांधार कला शैली की विशेषता है। इस बोधिसत्व शीर्ष में कला तत्वों को बेहतर ढंगों से उभारा गया है, जैसे घुघराले बालों को मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। ओठों की बनावट, आंखों के घेरे व उभार, आधी बंद आंखें पहले बनी मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम, फिर भी उनमें लयात्मकता का एहसास, नाक नक्श में पर्याप्त गोलाई व तीक्ष्णता तथा इन सबसे बढ़कर प्रकाश छाया का अनोखे संयोजन चेहरे की बनावट को विशिष्टता प्रदान करती प्रतीत होती है। इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण मूर्ति को देखेंगे। इस मूर्ति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से देखेंगे। मूर्ति का नाम है बैठे हुए बुद्ध। स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। माध्यम चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। काल ईसा पूर्व तीसरी सदी। मथुरा शैली कुषाण काल। कलाकार अज्ञात। संग्रह मथुरा संग्रहालय। इस मूर्ति की व्याख्या को देखेंगे। कटरा से प्राप्त बुद्ध की यह मूर्ति ईसा की तीसरी सदी में बनी थी। इस शिल्प में बुद्ध के साथ उनके दो अनुयायी भी दिखाए गए हैं। बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि बायां हाथ उनकी बाई जंघा पर रखा हुआ है। उनके केस की गांठ को ऊपर उठा दिखाया गया है। उनके कंधे चौड़े हैं। बाएं कंधे को संघाटी नामक वस्त्र से इस तरह ढका गया है कि उनका हाथ अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्ध को तीन शेरों वाले सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। बुद्ध के अनुचरों की पहचान पद्मपाणि व वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में की गई है, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में कमल तथा दूसरे के हाथ में वज्र है। साथ ही उन्होंने सिर पर मुकुट पहना है। बुद्ध आकृति के पीछे एक बड़ा आभा मंडल दिखाया गया है, जिस पर साधारण ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ऊपर की ओर दो तिरछी मानव आकृतियां भी उकेरी गई हैं, जिनके शरीर के घुमाव को
बारीक से उकेरा गया है। बुद्ध के चेहरे को मांसल व पर्याप्त गोलाई के साथ तीक्ष्ण नान नक्स वाला दिखाया गया है। उनके धड़ व पेट को हष्टपुष्ट तथा दोनों टांगों का फैलाव शेष शरीर को संतुलन स्थापित करता दिखाया गया है। यह मूर्ति मथुरा शैली में बनी मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण काल के बारे में देखेंगे, गुप्त काल। तो सबसे पहले गुप्त काल के संक्षिप्त विवरण को देखेंगे। गुप्त काल के दौरान कला की अनेक विधाएं अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस काल में अधिकांश चित्रों व मूर्ति शिल्पों को पहाड़ों को काटकर उनकी दीवारों पर भित्ति चित्र के रूप में विभिन्न रंगों के प्रयोग से अथवा उत्कीर्ण करके बनाए गए हैं। इनमें भगवान बुद्ध, बोधिसत्वों व बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों व मूर्ति शिल्पों को अनेक चैत्य गृहों तथा विहारों की दीवारों, स्तंभों व छतों के निचले भाग में उकेरा व चित्रित किया गया है। इन गुफाओं को ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर ईसा की 5वीं सदी तक की कलावधि में उत्खनित किया गया था। अब हम गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति का विवरण को देखेंगे, मूर्ति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। मूर्ति का नाम है बैठे हुए बुद्ध, स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश, माध्यम बलुआ पत्थर, काल ईसा की 5वीं सदी, गुप्त काल सारनाथ शैली, कलाकार अज्ञात, संग्रह सारनाथ संग्रहालय। अब इस मूर्ति की व्याख्या को देखेंगे। बैठे हुए बुद्ध की यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। यह ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त काल में बनी थी। यह मूर्ति चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई है। पद्मासन की मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध को एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है जिस पर चक्र अंकित है तथा उसके दोनों ओर हिरण की आकृतियों को उकेरी गई है। उनके हाथों व उंगलियों की मुद्रा धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि बुद्ध की प्रतिमा में देखा जा सकता है। सिंहासन के नीचे बने फलक में उनके अनुयायियों को वंदना करते हुए दिखाया गया है। यह बुद्ध प्रतिमा सारनाथ शैली में बनी अनेक मूर्तियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण मूर्ति को देखेंगे, मूर्ति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। मूर्ति का नाम है जैन तीर्थकर, माध्यम बलुआ पत्थर, काल ईसा की 5वीं सदी, गुप्त काल मथुरा शैली, कलाकार अज्ञात, संग्रह राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस मूर्ति की व्याख्या को देखेंगे, विवरणों को देखेंगे। इस मूर्ति शिल्प में जैन तीर्थकर वर्धमान महावीर को पद्मासन मुद्रा में दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। मूर्तिकार ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया था। आकृति का भारीपन मथुरा कला शैली की सामान्य विशेषता है। बालों की लट वृत्ताकार है, किंतु आंखें, भौहें, कान तथा होंठ पर्याप्त घुमाव लिए सामान्य आकार वाले हैं। तीर्थकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांत व सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। मूर्ति के आभा मंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त अस्पष्टता के साथ दिखाया गया है और वक्ष स्थल के बीच में एक आकृति उकेरी गई है। इस मूर्ति चित्र को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।